रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए। बृहस्पत सिंह अपनी मां और बुआ का इलाज कराने रायपुर के डीकेएस अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन यहां डॉक्टर ना होने के चलते उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। बृहस्पत सिंह का आरोप है कि डीकेएस का स्टाफ प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब जनता का इलाज नहीं कर रहा, यहाँ के स्टाफ का प्राइवेट अस्पतालों से कमीशन बंधा है। कांग्रेस विधायक ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही। बृहस्पत सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ ने। डीकेएस हॉस्पिटल में बृहस्पत सिंह विधायक पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वो अपने माता जी को लेकर पहुंची हुए हैं। यहाँ पे उनके माता जी को जो है स्वास्थ्य में लेने में परेशानी हो रही है और उसी के इलाज के लिए वो पहुंचे हुए हैं और बता रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से वो जो है यहाँ पे इलाज के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अब तक जो है अभी तक कोई डॉक्टर भी नहीं पहुँचे। सीधे बृहस्पत जी से बात करते हैं। बृहस्पत जी, क्या परेशानियाँ देख रहे हैं या क्या कहेंगे? प्रतिदिन आए दिन घटना होता था मेरे क्षेत्र का, मैंने भेजा था एक्सीडेंटल केस भी, गंभीर केस भी, लगातार हमारे क्षेत्र से लोग आते हैं। एक लाइन में कहा जाता है डीकेएस जाओ, अब डीकेएस में जाने के बाद बोला जाता है कि बेकहरा में जाओ, है क्या? इसलिए मैं अपने माता जी को खुद इलाज लेने कराने के लिए आया। जब आया तो वहाँ देखा कि व्हीलचेयर मंगाया, तो वहाँ जो गार्ड था इस तरह से व्यवहार कर रहा था जैसे बहुत चोर बदमाश कोई आ गया उस तरह से व्यवहार कर रहा था। एक लाइन में जवाब मिलता है कि आप कहीं चले जाइए, यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। मैं क्या एमडी मेडिसिन एमडी नहीं है जो हमने यहाँ अधीक्षक को लगाया, तो उनका भी कहना था मेरे पास डॉक्टर नहीं, आप बेकहरा में लेके जाइए। क्या लगता है कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? यहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे लूट हो रहा है। यहाँ बैठे हुए डॉक्टर और जो एजेंसीज है ये निजी अस्पतालों के एजेंट बनकर बैठे हुए सारे लोग को निजी अस्पताल भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि इनकी लगता है मुझे कि इनकी कमीशन बनाया हुआ है और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ऐसे जो 15 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको सुधारने में अभी भी हम कामयाब नहीं हो पाए, हमको सुधारने की जरूरत है, आम जनता को सीधे इलाज मिल सके हम लोग का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे बृहस्पत जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले उनके क्षेत्र के लोग आ रहे थे इलाज के लिए और उनके क्षेत्र के लोग बताते थे कि यहाँ पर इलाज के नाम पर कुछ नहीं होता बल्कि दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा जाता है। इसके बाद जिन्होंने अपने माता जी को लाया और उन्होंने उनको भी यही परेशानी हुई। तमाम यहाँ पे कर्मचारी हैं और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बातचीत नहीं की। आने वाले दिनों पर जो है विधायक जो है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत करेंगे, तब क्या कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।